प्राचीन धर्मों ने कहा वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है नास्तिक वह है जो स्वयं में विश्वास नहीं करता। आज संसार में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा शिक्षा की आवश्यकता है जिससे मनुष्य के मानसिक शक्ति एवं चरित्र का निर्माण हो सके और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जब दिल दुखता है अर्थात हृदय में पीड़ा का अनुभव होता है तब शोक रूपी अंधकार हमें घेर लेती है और तब हमें आभास होता है कि अब अंधकार ही अंधकार चारों ओर फैला हुआ है और प्रकाश नाम की कोई वस्तु नहीं है। तब हमारी आशा का धैर्य का बांध टूट जाता है। कठिनाइयां मनुष्य को शक्तिशाली बनाती है। कठिनाइयों से लगातार अभ्यास द्वारा छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हमें कठिनाइयों का सामना प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए। कठिनाइयों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। पक्षपात ही सारी बुराइयों का प्रधान कारण है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं है वह व्यक्ति नास्तिक होता है। ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह भी नास्तिक है। लेकिन नूतन धर्म का कहना है कि जो मनुष्य अपने आप पर विश्वास नहीं करता है वह महान नास्तिक व्यक्ति होता है। धर्म आत्मा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्रखंड बुद्धि से भी नहीं, यहाँ तक कि बहुत वेदांत वेद पाठ से भी उनकी प्राप्ति करना सूर्य को दीप दिखाने के समान है। कुछ लोग किसी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम करते हैं। हर मनुष्य का जन्म पद प्रदर्शन के लिए नहीं होता। इस प्रकार शिशु सब पर आश्रित रहते हैं, रहते हुए भी घर का राजा होता है। दूसरों की भलाई और सेवा करना ही महान धर्म है। पुरुष और स्त्री, युवा तथा वृद्ध कोई अछूत नहीं है। यह पशु भी इस धर्म को समझ सकते हैं। सदा विस्तार करना ही जीवन है तथा संकोच मृत्यु। जो स्वार्थ देखता है, आराम अधिक चाहता अथवा आलसी भी है, उनके लिए नरक में भी जगह नहीं है। प्रकृति सदैव गुलाम के मस्तक पर इसिया का जो दाग लगा देती है, आओ पहले हम उसे धो डालें। इसिया और अहंकार छोड़ दो, एक होकर दूसरे के लिए कार्य करना सीखो। यही हमारे देश की एक बड़ी आवश्यकता है। चाहे संसार की प्रत्येक वस्तु अपने नियम को तोड़ दे, फिर भी ज्ञानी मनुष्य को एकमात्र होकर सत्य की अनुसरण करना चाहिए। क्या नगाड़े, भैरी एवं तुरही भारतवर्ष में उपलब्ध नहीं? उन्हीं की ध्वनि भारत के सब नौजवानों को सुनाओ। बचपन से गाने बाजे सुन सुन कर यह देश स्त्री का देश बन गया है। भारत राष्ट्र में तीन व्यक्ति एक साथ रहकर 5 मिनट भी किसी कार्य में शांतिपूर्वक नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और अंत में पूरा संगठन दुख उठाते हैं। जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उन प्रत्येक व्यक्तियों को कृधन समझता हूँ जो उनके बल पर शिक्षित बना और अब उनकी ओर ध्यान तक नहीं देता। तपस्या जैसी कठिन है, निष्काम कर्म भी वैसे ही कठिन है। इसलिए औरों के मंगल के लिए जो लोग कार्य करते हैं उसे विरुद्ध तुझे कुछ कहने की अधिकार नहीं है। यदि तुझे तपस्या अच्छी लगी तो किए जो, परंतु यदि किसी को कर्म ही अच्छा लगे तो उसे रोकने का मुझे क्या अधिकार है? तुम क्या यही अनुमान लगा बैठे हो कि कर्म तपस्या ही नहीं है? जीवन का रहस्य भोग नहीं है किंतु अनुभव द्वारा शिक्षा प्राप्त करना है। लेकिन दुर्भाग्य जिस समय वास्तविक शिक्षा केवल प्रारंभ ही होती है।